दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आज यानी कि 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस के, चाहे वे आपका जीके का सेक्शन हो, जीएस का सेक्शन हो, करंट अफेयर्स या मैथ्स या रीजनिंग, सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, इस कारण आपको एनालिसिस के देखना जरूरी है। इसके साथ साथ रात में हम आपके लिए डेली आपके रात में एनालिसिस सभी शिफ्ट के जीके जीएस सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस को एनालिसिस लेके आते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको छूट जाएंगे वो भी हम वहाँ पे देख लेंगे। तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है। तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के राज्यपाल कौन है। तो असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, 2-3 बार और पूछ चुका है। तो आपको इसके साथ साथ गवर्नर सभी स्टेट्स के पता होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर के बारे में, बिकॉज यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप गवर्नर और सीएम की वीडियो ज़रूर देखें, उसकी भी वीडियो हमने आपके लिए बना के रखी है, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के चेयरमैन पूछा है। तो बीसीसीआई के चेयरमैन है विनोद राय। फिर आपसे पूछा है कि पद्मावत फिल्म की एक्ट्रेस कौन है। तो दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट हमसे पूछा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017 कौन है। तो MIT यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है हमारा कि म्यांमार जो है उसकी संसद ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया। तो म्यांमार में नए राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ है विन मिंत का। नेक्स्ट है आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, उत्तराखंड की राजधानी, तो वो है आपका देहरादून। फिर हमसे पूछा कि ममता बनर्जी जो है वो किस पार्टी से है। ममता बनर्जी आपको पता है वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो कौन सी पार्टी से है। तो TMC यानी तृणमूल कांग्रेस से है। नेक्स्ट हमसे पूछा कि DLF के चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है कुशल पाल सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट कहाँ होगा। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में वो कहाँ होगा। तो भारत यानी कि इंडिया में होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार और पूछ चुका है कि स्कूल खेलो इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा पदक किसे मिला। तो हरियाणा को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिशन 41 योजना जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वो आपका रेलवे के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है कि सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो AR रहमान है। नेक्स्ट है हमारा उबेर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो विराट कोहली। फिर हमसे पूछा कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन से। तो अंशु है, जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। फिर हमसे पूछा कि मौर्य शासनकाल की राजधानी कौन सी है। तो पाटलिपुत्र। फिर हमसे पूछा कि पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो 10 मेडल जीते थे। फिर हमसे पूछा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा। तो पेरिस में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, तो उसके हमसे पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो हो गया 40:16। अगर आपको कट करके देगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो 5:2। इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा कि अमोनिया में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो आपको पता है अमोनिया होता है हमारा NH3, तो हाइड्रोजन 3 हो गया और नाइट्रोजन 1 हो गया, तो 3:1 आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रोमीन किस आवर्त और किस समूह में आते हैं। तो ब्रोमीन जो है 4th आवर्त और 17वें समूह में आता है। फिर हमसे पूछा कि नोबेल गैस किस समूह को बिलोंग करती है। तो नोबेल गैस 18वें समूह को बिलोंग करती है। नेक्स्ट है 288 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से ग्रुप में आता है। तो 288 यानी 8, 2, 10, 8, 18, और ये आपका आर्गन होता है और आर्गन एक नोबेल गैस है। तो आपको पहले से ही पता है नोबेल गैस 18वें में आता है, तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा कि एक दर्पण में F तथा R के बीच में क्या संबंध होता है। तो F=R/2 होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला देंगे तो क्या बनेगा। तो स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। नेक्स्ट है कि लहसुन में गंध है वो किसकी वजह से आती है। तो एलिसिन आपका ऑप्शन में होगा, या सल्फोनिक एसिड, या फिर आपका एलाइल मिथाइल सल्फाइड, इन तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में रहता है। यही तीनों की वजह से लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट है हमारा घनत्व की इकाई क्या होती है। तो KG/m³ होती है। फिर हमसे पूछा कि जब सर्किट हम बनाते हैं तो वोल्ट मीटर किस तरीके से जोड़
जोड़ते हैं तो समानांतर जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है, तो गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है छोटी से छोटी भी विद्युत धारा है उसे भी वो माप सकता है, तो विद्युत धारा को मापने की उसमें क्षमता होती है। फिर हमसे पूछा दाब यानी कि प्रेशर की इकाई क्या होती है, यूनिट, तो आपका होता है पास्कल। उसके फॉर्मूले पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 15 kg तथा ऊंचाई 5 m हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। तो द्रव्यमान है 15g की वैल्यू होती है 9.8, तो इसे हम 10 लिख सकते हैं, और ये हमारी ऊंचाई दे रखी है 5, तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना, तो 750 joule हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम किस चीज़ की बनी होती है, तो नाइक्रोम बनी होती है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चारों की बनी होती है। तो इन चारों में से कोई भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं या फिर चारों आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो ये आपको इसका हो जाएगा निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन। आपको वाटर इमेज पूछ रहा है टॉम का जल प्रतिबिंब, TOM लिखा हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो आप देखो नीचे अगर इस तरीके से हमारा जल रहेगा तो इसका इमेज हमारा कैसा बनेगा, तो वो आप देख लो, टी का हमारा इस तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा, ओ इस तरीके से हो जाएगा और एम डब्ल्यू में बदल जाएगा, तो इसका जल प्रतिबिंब आपका इस तरीके से होगा। तो जो भी इस तरीके का ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है पिक्स का दर्पण प्रतिबिंब, आपको दिया हुआ PIX, इसका पूछ रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर इमेज हमारा इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से और यह इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा इसका मिरर इमेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ही सिंपल है, कह रहा है काइट को हम लाइट लिख सकते हैं, साइट को टाइट, तो पुमा को क्या लिखेंगे, आप देखो KITE है, बोल रखा है कि इसे हम LITE लिख देते हैं, SIT है इसे हम लिख देते हैं TITE, तो अब हमसे पूछ रहा है कि PUM में पूमा को क्या लिखेंगे, तो आप क्या इसमें देख रहे हो कि सिर्फ शुरू वाले वर्ड का शुरू वाले लेटर को चेंज कर रहा है और बाकी सब सेम रख रहा है, तो P को चेंज कर देगा Q और बाकी सब सेम रखेगा, तो QUMA हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका साइलोलिज्म से है, कह रहा है कि कथन दे के रखा है सभी ग्लास ड्रिंक है, सभी ड्रिंक कोल्ड है, अब आपसे निष्कर्ष दे के रखा है कि कुछ कोल्ड ग्लास है कुछ ड्रिंक ग्लास है, तो इन दोनों कथनों से हमें देख रहा है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है, तो हम इसके लिए वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। कह रहा है सभी ग्लास ड्रिंक है, तो ग्लास आपका इस तरीके से और ड्रिंक हो गया, सभी ग्लास ड्रिंक हो गया, फिर कह रहा है सभी ड्रिंक कोल्ड है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष दे के रखा है कि कुछ कोल्ड ग्लास है, तो हाँ कुछ कोल्ड हमारा देखो यहाँ पे है और ग्लास यहाँ पे, तो सही बात है कुछ कोल्ड ग्लास है, यानी निष्कर्ष एक तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ ड्रिंक ग्लास है, तो ड्रिंक यहाँ ग्लास यहाँ, तो ये भी सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही है, जो भी आपके ऑप्शंस में होगा 1 तथा 2 दोनों सही वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आपका ब्लड रिलेशन से, कह रहा है डी ए बी का बेटा है, बी सी की बहन है, सी डी का बेटा है, तो डी का ए से क्या संबंध है, आपको दे के रखा है कि ए जो है बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, तो ए पर पॉजिटिव साइन, और फिर कह रहा है बी सी की बहन है, तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी और सी की बहन है, तो इस तरीके से सी हो गया। फिर कह रहा है सी जो है डी का बेटा है, सी अगर डी का बेटा है तो डी का ए से क्या संबंध है, तो आपको दिख रहा हो कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, बिकॉज डी हमारा पुरुष है या क्या है ये हमें नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं इसे कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आपका कैलेंडर से, कह रहा है कि यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आप देखो 5 फरवरी 2018 आपको दे के रखा है कि मंडे था, तब हमसे पूछ रहा है मंडे है आपका, तब हमसे क्या पूछ रहा है कि मंडे, फिर हमसे पूछ रहा है कि 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो जनरल ईयर की बात कर रहा है आपका, 2018 भी जनरल ईयर है 2019 भी, तो जनरल ईयर में अगर एक साल पूरा इंक्रीज करता है तो एक डे इंक्रीज होगा, तो मंडे था तो अगर तो 5 फरवरी 2019 को ट्यूसडे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ममता बनर्जी का संबंध TMC से है, तो रघुवर दास का संबंध किससे है, कह रहा है ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करती है, तो रघुवर दास किससे बिलोंग करते हैं, तो BJP से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा BJP। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है 15, 21, 30 और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो ये आपका सीरीज का हम देख रहे हैं कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो 15, 6, 21, 21, 9, 30 डिफरेंस में देख रहे हैं 3 का डिफरेंस जा रहा है, तो 9, 3, 12 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 42 और फिर 15 का होना चाहिए, तो 42, 15 हमारा हो जाता है 57, यानी बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो ये थे हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, अब देख लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कह रहा है 3364 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप देखो 3364 ये हमारे
इसके बीच में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3364 है, तो ये 50 का स्क्वायर 2500 और 60 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 3600, इन दोनों के बीच है। तो इसमें अब देखो कि लास्ट में 4 जो है वो किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 और 8 के स्क्वायर में आता है, यानी आपको 50 और 60 के बीच में होना चाहिए, तो 52 का स्क्वायर या 58 का स्क्वायर होगा। तो आप देखो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 3600 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हमारा 58 का स्क्वायर हो जाएगा, 3364, तो वर्गमूल हो जाएगा 58। अब चाहे तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 3364 है हमारा, इसे हम करेंगे कितने टाइम जाएगा, तो 5 5 25 हमारा हो गया, 25 आपका हो गया, फिर 8 बज गया, फिर 5 5 हमारा 10 हो गया, फिर 6 4, आप 108 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 864 आ जाएगा, यानी कि आपका 58 ही आंसर होने वाला है। आप किसी भी मेथड से निकालो 58 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 800 मजदूर जो है 30 दिन में किसी काम को करते हैं, 12 दिन बाद 80 मजदूर चले जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा। कह रहा है 800 मजदूर 30 दिन में करते हैं, अगर 12 दिन बाद 80 मजदूर चले जाएंगे तो बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें टोटल काम कितने करने थे, तो 800 गुना 30 यूनिट। अब क्या करा, आपको ध्यान देना इस तरीके के क्वेश्चन में यही करना है, टोटल जो मजदूर है और टोटल दिन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो हमने कर दिया। करे किसी काम को करते हैं 12 दिन बाद 80 मजदूर चले जाते हैं, लेकिन 12 दिन बाद तो सभी काम करते हैं 12 दिन तक, तो 12 गुना 800, और फिर 80 मजदूर चले जाते हैं तो 720 बचते, वो कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे। अब आप यहां से अगर सॉल्व करो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 3 24 24,000 हो गया, माइनस 9600 इक्वल टू हो गया 720x, तो हम इसे कर सकते हैं 14400 इक्वल टू 720x, इसे टोटली करेंगे 0 से 0, ये 20 आ जाएगा, यानी कि कितने दिनों में ख़त्म होगा काम, तो 20 दिन में काम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 डेज। नेक्स्ट है हमारा, कह रहे दो संख्याओं के योग का 50% उनके अंतर के बराबर है, यदि एक संख्या 81 है तो दोनों का योग क्या होगा। कह रहे हमारे पास दो संख्या है, मान लेते हैं संख्या x तथा y है, x प्लस y का 50% कह रहा है, तो इंटू 50/100 बराबर है इसके डिफरेंस के, यानी कि x माइनस y के, तो ये हमने किया 2 टाइम्स हो गया, तो x प्लस y इक्वल टू आ गया 2x-2y। अब हम इसे टोटली सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस x इक्वल टू आ रहा है -3y, यानी x इक्वल टू 3y। अब x की वैल्यू आपको पता है, एक संख्या 81 है, तो 81 इक्वल टू हमारा हो गया 3y, तो y इक्वल टू आ गया 27, आपसे पूछ रहा है योग, यानी x प्लस y, तो 81 प्लस 27 चला जाएगा, तो 108 हमारा योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम से, करे एक नल जो है 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है तथा दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, अगर टंकी आधी भरी हो तो कितना समय में भरेगी। कह रहा है आपको दो नल की बात कर रहा है, पहली और दूसरी। कह रहा है पहला 12 में, दूसरा 15 घंटा में भरता है, अगर टंकी आधा भरा हो तो कितना समय में भरेगा। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हो गया 60, तो हमारा एलिगेट किया तो 5 and 4 डिवाइड करके। अब 60 हमने मान लिया कि टोटल टंकी कितने 60 यूनिट भरनी है, और एक घंटे में हमारे ए जो है 5 यूनिट भरती है और बी 4 यूनिट, यानी कि इनकी क्षमता भी निकल गई है। अब टोटल 60 यूनिट टंकी है, बट आधा हुई यानी 30 यूनिट भरनी है, इसे भरने दोनों को मिलके कितना टाइम में भरेगा, तो 5 और 9 यूनिट एक दिन में करता है, तो एक घंटे में तो कितना टाइम लगेगा, तो 15, और ये हमारा कितना चला जाएगा, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, 10 3 30 और 3 3 9, तो 10/3 hours में भरेगा, आपका आंसर हो जाएगा 10/3 hours। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a इक्वल टू 30 डिग्री है, b इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दो, आपको दे के रखा है साइन ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन बी। अब आपको दे के रखा है क्या कि साइन ए की वैल्यू है 30, तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2, और कॉस 90 हमारा होता है 0, डिवाइडेड बाई कॉस ए √3/2 और साइन 91। अब हम करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई, हमने एलसीएम ले लिया 2, √3+2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं आपका आंसर 1/2+√3 होगा, या फिर अगर ये नहीं दिया है तो आपको क्या करेगा, इसको एलिगेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2-√3 डिवाइडेड बाई 4-3, तो 2-√3, ये 4-3 हमने क्यों किया,
तो ये इसलिए किया क्योंकि आप अगर हम इसे टोटली करें तो ये हमारा हो जाता है 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। कैसे? तो आपको पता है a + b * a - b होता है a² - b² तो ये हो गया 2 - √3 / 4 - 3 तो 2 - √3/1। तो यही होता है हमारा तरीका इस तरीके के क्वेश्चंस को। आपके आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको 1 / 2 + √3 भी आंसर हो सकता है या फिर 2 - √3 भी हो सकता है। आपको जो भी आंसर्स में होंगे आपको करेक्ट करने हैं। इसके अलावा आपको रेशियो से क्वेश्चन पूछे थे, हमें क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए बट आपको क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करें तो आपको एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 3 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं। तो देन इस वीडियो में इतना ही।